आप सबको जिस क्षण का हमको लगता है कि पूरे रांची सहित झारखंड के लोगों को जिस दिन का सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होता है वो है 3 दिन तक चलने वाला बांग्ला सांस्कृतिक मेला, क्योंकि ये मेला केवल एक मैदान में नहीं होता है, यहाँ सही अर्थों में दिलों का मिलान भी होता है। भाषा संस्कृति तो बंगला का है, लेकिन जो महाजुटान होता है वो सभी सीमाओं को तोड़कर एक नया उल्लास पैदा करता है। इस बार का भी जो मेला है पिछले 6 वर्षों के बाद, क्योंकि कोविड काल और कुछ अपराध कारणों से 3 साल नहीं हो पाया था, तो हम लोग पुनः परसों से अर्थात 5 तारीख से इसको शुरू करने जा रहे हैं। पूरा मेला का जो ये भव्य मंच आप लोग देख रहे हैं, ये मंच का नामकरण माइकल मधुसूदन दत्त मंच रखा गया है। माइकल मधुसूदन दत्त जी का जन्म का ये 2वीं शताब्दी है, मतलब 200 साल का ये जश्न का ये साक्षी बनेगा। हम सबको ही जानते हैं कि माइकल मधुसूदन दत्त को हम लोग ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं कि बांग्ला कवि कविता एवं नाटक के प्रथम रचयिताओं में से माइकल मधुसूदन दत्ता भी थे। उनको पायनियर ऑफ बंगाली लिटरेचर कहा जाता है। तो ऐसे महान विभूति का ये जन्म का 2वीं शतक वर्ष है, उन्हीं के स्मरण में इस मंच का नामकरण किया गया है। आप सबको 7 तारीख को जब औपचारिक तौर पर 7 बजे झारखंड के माननीय राज्यपाल महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी ने सहमति दी है कि वो मेले का उद्घाटन करेंगे, 2रे दिन झारखंड विधानसभा के माननीय सभापति रविंद्रनाथ महतो जी वो भी उपस्थित रहेंगे, और जो संपूर्ण मेला का जो संकलन होगा उसके मुख्य साक्षी समापन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। मेला को इस तरह से सजाया गया है कि झारखंड की जो लाल मिट्टी है जिसको हम लोग पोड़ा माटी भी कहते हैं, उसकी संपूर्ण भाव को यहाँ दर्शाया जाएगा। चाहे मुख्य अतिथियों को जो स्मारक चिन्ह देने की बात हो, प्रतिभागियों के लिए भी जो मुख्य मेला जो कार्यालय है उसको भी पूरा माटी जिसको हम लोग कहते हैं लाल मिट्टी झारखंड का, उस झारखंड के लाल मिट्टी की खुशबू उसमें समाये रहेगी। झारखंड की संस्कृति साहित्य बंगला के संस्कृति और साहित्य के साथ माँ और मौसी का रिश्ता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।